नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सुबह के 24 फरवरी 2021 हुई है और सभी के लिए करंट अफेयर्स यहां पर आ चुके हैं। तो सारे ही बच्चे सबसे पहले रोज की तरह क्लासेस को शेयर कर देंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे और कॉपी पेन के साथ चाय जरूर लेकर बैठेंगे, लेकिन चाय को पियेंगे कम क्योंकि आप लोग को अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी लोग क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज 24 फरवरी 2021 की डेट है और आपकी करंट अफेयर्स में सबसे पहले रोज की तरह हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे की इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये जो सारे क्वेश्चंस लगे हैं 10 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है हाल ही में देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली यानी कि आपके सरफेस टू एयर मार करने वाली किस मिसाइल का डीआरडीओ ने 2 बार सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बाकी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में HSBC जिसको हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के GDP का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत बढ़ाया है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी भारत के लिए लगाया था अनुमान और अभी HSBC ने भी अनुमान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ या आपको इनमें से कोई भी नहीं बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नियामक यानी कि रेगुलेटर दायरे यानी रेगुलेशन दायरे में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको उस बैंक का नाम बताना है जो RBI के रेगुलेशन दायरे में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस ने फायर सेफ्टी परीक्षण प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र जिसको DRDO कौशल विकास केंद्र का नाम दिया गया है का उद्घाटन किया है। दोस्तों तो फायर सेफ्टी जो ट्रेनिंग है उसके लिए DRDO का एक आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है, उसके बारे में बताना है कि किसने इसका अनावरण किया है, उद्घाटन किया है, लेकिन इसके बारे में थ्योरी हम लोग को ज्यादा पढ़नी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इजराइल गवर्नमेंट ने वहां पर जिसको टीके लग चुके हैं, जिसको वैक्सीन लग चुकी हैं कोविड के लिए, उनके लिए रिलैक्सेशन के सिस्टम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स में विश्व HRD वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड जो कि हर साल ही दिया जाता है दोस्तों और पिछले 29 सालों से दिया जा रहा है 1992 से, तो वो अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में कोई एक इस्लामिक कंट्री है दोस्तों, उस इस्लामिक कंट्री में महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं मिली हैं और उन्हीं स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता यह भी है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सेनाओं में उनको आने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में अर्जेंटीना के कौन से फुटबॉलर ने बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके जो बार्सिलोना के लिए जो प्लेयर खेलते हैं इनमें से ऑप्शन में एक ही है जो कि लियोनेल मेसी है, तो लेकिन उनके बारे में और भी चीजें यहां पर हम लोग को क्वेश्चन में पढ़नी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो दोस्तों यही आपके क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन रोज की तरह है लेकिन इसकी थ्योरी में हम लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर कर देंगे और ये सारे क्वेश्चंस के लिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा है, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का DRDO ने 2 बार सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों यहां 2 बार सफल परीक्षण की बात हो रही है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, 2 मिसाइल्स की बात नहीं है, 2 बार सफल परीक्षण की बात हो रही है। अभी हाल ही में DRDO ने VL वर्टिकल लॉन्च बोलते हैं इसको, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको VLSRMAM कहा गया है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये तो हो गया आपका आंसर। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप DRDO भी कहते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ बार बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम आगे की चीजें देखते हैं। तो अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा, जो कि पूर्वी तट पे है, उड़ीसा में दोस्तों एक स्थान है बालासोर, कभी आपने नाम सुना होगा। हमारी जो, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, एक मिसाइल का परीक्षण होता है और एक रॉकेट का प्रोपल्शन होता है, जिसको प्रक्षेपण कहते हैं दोस्तों। तो अंतरिक्ष में जो हमारे इसरो का प्रक्षेपण होता है वो होता है विक्रम आपका श्रीहरिकोटा से, यानी कि आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपका मिसाइल का परीक्षण होता है उसके लिए भारत में उड़ीसा में एक ITR रेंज बना है, ठीक है, एक ITR रेंज बना है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। और ध्यान रखिएगा, मोबाइल लॉन्चर से यहां मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ITR, जो कि आपका चांदीपुर स्थित, ये उड़ीसा में एक स्थान है, चांदीपुर स्थित बालासोर नाम की एक जगह है, वहां पर बालासोर में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, इंडिया में जितनी भी आपकी न्यूक्लियर मिसाइल्स या जितनी भी मिसाइल्स सेना की होती है, उनका जो परीक्षण किया जाता है वो आपके उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर स्थित बालासोर के आइलैंड पर, बालासोर आइलैंड है, तो बालासोर के आइलैंड पर ये ITR रेंज बनाया गया है, जहां पर मोबाइल लॉन्चिंग की सहायता से, मोबाइल लॉन्चर की सहायता से यहां पर क्या किए जाते हैं दोस्तों, परीक्षण किए जाते हैं। मैं इसी में यहीं पर आपको बता भी देता हूं, जो ये ITR रेंज बना था दोस्तों, ये 1982 में बना था, 1982 में इंदिरा गांधी जी के शासन में ITR रेंज बनाया गया था उड़ीसा में, लेकिन उस समय ये बनना शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है दोस्तों, इस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के जो चीफ है अभी HK रथ है, ठीक है, HK रथ अभी इसके चीफ है, और ये ITR रेंज बनाया गया, जिसको बाद में अब्दुल कलाम जी के नाम पर भी इसका नाम रखा गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से अभी हाल ही में वर्टिकल लॉन्च, जिसको बोलते हैं क्या, VL वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल का दो बार लगातार इसके दो सफल परीक्षण किए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मिसाइल का नाम दोस्तों क्या है, मिसाइल का नाम है VLSRS-MAM, ठीक है, तो मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस मिसाइल को इंडियन आर्मी के लिए नहीं बनाया गया है, ये मिसाइल दी जाएगी हमारी इंडियन नेवी के लिए, ठीक है, ये इंडियन नेवी को प्रदान की जाएगी, ठीक है, तो ये मिसाइल जो है ये आपके मोबाइल लॉन्चर से जो लॉन्च की गई है, ये हमारे इंडियन आर्मी के किसी भी टैंकर के रूप में नहीं, या फिर एयरफोर्स के किसी जेट प्लेन के रूप में नहीं, ये आपकी शिप से लॉन्चिंग की जाएगी इसकी, तो ये आपका VLSRS-MAM है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका अभी हाल ही में हुआ परीक्षण दोस्तों। अगर हम बात करें भी हाल ही में जनवरी फरवरी के महीने में, बहुत तेजी से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका कि मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका गठन कब हुआ था, 1958 में हुआ था, और सतीश रेड्डी जी इसके क्या है, इसके चीफ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में DRDO ने बहुत सारी मिसाइल्स के सफल जो परीक्षण किए हैं, उन परीक्षणों में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो, ध्यान रखिएगा, उन परीक्षणों में अगर देखेंगे तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एक ध्रुव शक्ति, अभी परसों ही नरसों मैंने आप लोगों को बताया था, अभी ध्रुव शक्ति नाम की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। उसके बाद इसके साथ साथ एक हेलिना मिसाइल का भी क्या किया गया था, हेलिना का भी सफल परीक्षण किया गया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था जो ध्रुव शक्ति है दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी, ठीक है, और जो आपका हेलिना है ये हमारे इंडियन आर्मी को दी जाएगी, ठीक है, ये इंडियन आर्मी के लिए है, क्लियर है। ये भी अभी हाल ही में DRDO ने ही परीक्षण किए थे, सफल परीक्षण किए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ब्रह्मोस 3 की बात करें, किसकी बात करें, अगर ब्रह्मोस 3 की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आपको ये ऑप्शन भ्रमित करने के लिए दिया गया है, ब्रह्मोस 3 नाम की कोई मिसाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कभी भी इसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस 3 नाम की कोई मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस जो है, जो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर बनाई गई है, तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मोस है, ऑब्वियसली ब्रह्मोस है,
और इस ब्रह्मोस की बात मैं आपको बता दूं, 290 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी शुरुआत में थी जब ये बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब ब्रह्मोस अभी जो मॉडिफाई की गई है, तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आया था कि जनरली रॉकेट्स को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बूस्टर्स लगाए जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मोस की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो अभी इसकी 400 किलोमीटर मारक क्षमता है, अब इसकी क्षमता को दोस्तों 650 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता की जा रही है। टू बी प्रपोज का मतलब आप समझ गए, मतलब कि अभी इसको क्या किया गया है, ऐसा प्रपोजल आया है कि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं, ब्रह्मोस एशिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में फर्क होता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स या जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं दोस्तों, ये अपने टारगेट को हिट किए बिना कभी भी पैराबोलिक पाथ नहीं लेती है, मतलब कि ग्रेविटेशन से हट के चलती हैं। इनको पहले से ही लॉन्च रखा जाता है कि आपको इस टारगेट को हिट करना है, उसके बाद ही आपका इंजन खत्म होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रूज मिसाइलें सीधा टारगेट को सीधा हॉरिजॉन्टल जाके धरातल के यानी कि लैंड सरफेस के पैरेलल जाती हैं और सीधा टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं दोस्तों, इसको छोड़ा जाता है तो ये ट्रेजेक्टरी पाथ लेती है, मतलब कि ये आपका पैराबोलिक पाथ, पहले ये अपनी ईंधन से आएंगी और फिर बाद में जब इनका खत्म होता है ईंधन, तो ये टारगेट पे जाके फॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये इनमें फर्क होता है। तो ध्यान रखिए, ब्रह्मोस आपकी क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। अगर K-15 सागरिका की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ये कोई मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये आपकी सबमरीन है, ठीक है, ये पनडुब्बी है, क्लियर हो गया। ये इसको के श्रेणी की पनडुब्बी कहते हैं, और ये क्या है, ये दोस्तों ये सबमरीन है, ठीक है, यानी कि ये एक पनडुब्बी है, ठीक है। और इसको K-15 भी बोलते हैं या फिर इसको B-05 भी कहते हैं, ये भी इसका नाम है, ठीक है। और ये हमारी इंडियन इंडिया में कमीशन की गई है 2018 में ये सर्विस में शामिल कर ली गई थी, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं, तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन के साथ आपको इतने सारे क्वेश्चन के आंसर पता चले। यही फायदा है दोस्तों इस क्लास का कि एक क्वेश्चन में अगर किसी को ये लगता है कि 10 ही क्वेश्चन आए, आप देखिए 10 क्वेश्चन में यहां ही इतने में ही आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, 10 क्वेश्चन आपको आराम से मिल गए, तो 10 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है, चलिए। और ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्रह्मोस, ये भी स्वदेशी है, रशिया की मदद से बनी है। ध्रुव शक्ति, ये भी स्वदेशी है। हेलिना, ये भी स्वदेशी है। VLSRS-MAM जो है आपका शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी आपकी स्वदेशी है। और जो K-15 सागरिका है, ये भी स्वदेशी, ठीक है। तो ये सब स्वदेशी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HSBC, जिसको बोलते हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में, यानी कि 2021-22 की बात हो रही है, के लिए भारत के GDP का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत लगाया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है कि HSBC, जिसको हम लोग बोलते हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, आपको मैं बताऊं, ये लंदन यानी कि ब्रिटेन और चाइना का संयुक्त निगम था, ये बाद में ये ब्रिटेन के हाथ में आ गया। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग, क्या बैंकिंग निगम यानी कि कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो HSBC है, इस HSBC ने अभी कुछ समय पहले जो अनुमान लगाया था, वो अनुमान लगाया था लगभग 9% का, कि इन्होंने बोला था कि पूर्व अनुमान जो लगाए गए थे, पूर्व अनुमान इनके थे लगभग 9% इकोनॉमी रहने वाली है भारत की 2021-22 में। मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा प्रभावशाली देश है जिसपे असर कोविड का आया, लेकिन आने वाले समय में जब यहाँ पर तेजी से इन्वेस्टमेंट होगा ना, और होगा जैसे जैसे कोविड कम होगा, वैसे वैसे दुनिया के देश भारत में अपना व्यापार करने आएंगे। तो इस आधार पे पूर्व अनुमान जो इनका था वो 9% इकोनॉमी का था, लेकिन जिस तरीके से कोविड से भारत उभर रहा है और जिस तरीके से भारत में निवेश कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जितनी भी जो इंटरनेशनल फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है उनको अधिकार दे दिया है कि वो भारत में अपना निवेश काम शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब सिस्टम सही है। तो HSBC ने अभी हाल ही में अनुमान लगाया है कि नहीं, हमसे गलती हो गई, 9% नहीं है, अब हमें लग रहा है कि 2021-22 के अंत तक भारत की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी लगभग 11.2% तक पहुंच जाएगी। ये इनका अभी हाल ही में क्या लगा है दोस्तों, अनुमान लगा है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये अनुमान को खारिज कर दिया है और बोला है कि भारत का इकोनॉमी बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर दोस्तों 2020 के हिसाब से देखें, तो जो हमारी अभी GDP है, तो जो GDP है, ध्यान रखिए, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
जो अभी एट प्रेजेंट है हमारी देश की, वो तो अभी निगेटिव में चल रही है और वो है -6.3%। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भ्रमित मत होइएगा, जीडीपी के गिरने या बढ़ने से नेशनल इनकम पे कोई खास फर्क नहीं आता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जीडीपी में हर वो उत्पादन और हर वो सेवा है, हर वो प्रोडक्शन और हर वो सर्विसेज होती हैं जो आपके देश में देशवासी भी करता है और विदेशी भी करता है। एक्चुअल में बात यह है कि कोविड 19 की वजह से आपके देश में निवेश काम कम हो गया, निवेश कार्य कम हो गए, जिसकी वजह से हमारे देश में प्रोडक्शन और सर्विसेज विदेशी जो हो रहे थे वो बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी माइनस, हमारी जो जीडीपी है वो माइनस में गई। ये दोस्तों ये जितनी तेज गिरी है ये उतनी ही तेज उठेगी उस दिन जिस दिन भारत में विदेशी देशों के निवेश कार्य शुरू हो जाएंगे और हमारी जो अपना लोकल प्रोडक्शन और सर्विसेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जीडीपी बढ़ती है या घटती है इसका फर्क नहीं है कि इकोनॉमी भी घटेगी या बढ़ेगी। हो सकता है जीडीपी बढ़ रही हो और इकोनॉमी कम रहे, या जीडीपी घट रही हो लेकिन इकोनॉमी बढ़े, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जीडीपी में आपका स्वदेशी विदेशी दोनों होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखा करिए कि भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी एचएसबीसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम हांगकांग एंड क्या बोलते हैं, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशन कहते हैं, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1865 में, 1865 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है? 1865 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर बनाया गया था, लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था, और इसके जो चीफ है वो है नोएल क्वीन, ठीक है? नोएल क्वीन, NOELQUIN, नोएल क्वीन इसके चीफ है, क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, जो इसके फाउंडर है दोस्तों, इसके फाउंडर कौन है, थॉमस सुदरलैंड इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये एचएसबीसी का एक जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपका संघाई में भी काम करता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए दूसरी चीज दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि भी हाल ही में कुछ दिन पहले एक क्रेडिट एंड रेटिंग एजेंसी जो थी, जिसका नाम था स्टैंडर्ड एंड पुअर, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, S&P, इसने भी अनुमान लगाया था कि भारत की इकोनॉमी इस वर्ष यानी कि अगले वर्ष के अंत तक 11% तक हो जाएगी, जिसका नाम स्टैंडर्ड एंड पुअर था। मैंने आपको कुछ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बताई थी, एक मूडीज है जो 1909 में साबित हुई थी, मैंने आपको फिच बताई थी, फिच भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इंडिया में S&P की एक इकाई काम करती है जिसका नाम है दोस्तों क्रिसिल, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो इतना क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करेंगे। चलिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिल्ली में क्यों अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे, वो देंगे तो पूरा देश ही अभी हिल जाएगा, मतलब कि सभी को पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पांडिचेरी में सत्ता के उलटफेर बहुत ज्यादा हुए हैं। ये जो सत्ता के जो उलटफेर हुए दोस्तों, ये आपके कांग्रेस के साथ हुए, और कांग्रेस के साथ जो आपका सत्ता का उलटफेर हुआ है, मैं आपको बता दूं, वी नारायण स्वामी उन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया, ठीक है? वी नारायण स्वामी कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मुख्यमंत्री थे कहां के, पांडिचेरी के, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने अभी हाल ही में अल्पमत में आने की वजह से, अल्पमत का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्पमत का मतलब होता है इनका बहुमत कम हो गया है, 14 सीटें होनी थी और इनके पास अब केवल 10 सीटें बची हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी भी पांडिचेरी गए थे अपनी पार्टी के मेंबर्स को सहायता करने के लिए, उसी समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है? तो इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद यानी कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एन नारायण स्वामी जी ने इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुछ ही समय की बात है, अभी कुछ ही समय पहले बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा आपके जो पांडिचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि जो उपराज्यपाल प्रशासक बोली जाती है किरण बेदी, उनका भी त्याग पत्र लिया गया था, ठीक है? तो अभी किरण बेदी जो थी, जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी रही है, तो ये किरण बेदी ने भी क्या दे दिया था, इनका भी त्याग पत्र ले लिया गया था,
और ये भी हट गई, और इनकी जगह पर ये कौन थी दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी कहां की, पांडिचेरी की, ठीक है, इनका भी इस्तीफा ले लिया गया। और इनकी जगह जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो कौन थे दोस्तों, ध्यान रखिए, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो तमिली सांद्रा है, कौन है, तमिली सांद्रा सुंदरराजन जो थे, तमिली सांद्रा आपके पांडिचेरी के नए क्या बने हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो तमिली सांद्रा सौंदरराजन, सौंदरराजन, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किसके, पांडिचेरी के, और इन्हीं को क्या दिया गया है, इन्हीं को इस्तीफा दिया गया है वहां की पांडिचेरी की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, सभी क्लियर है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब आपका पांडिचेरी में वहां पर अल्पमत होने की वजह से और किसी का बहुमत ना होने की वजह से, अगर समय से वो अपना बहुमत नहीं कोई पार्टी शो करती है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी जो कि संविधान के आर्टिकल नंबर 356 के तहत आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको मैं आगे की चीजें बता देता हूं, चंडीगढ़ में कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और पांडिचेरी में एन वी नारायणा स्वामी की सरकार थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी भारत के दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर गवर्नमेंट बनती है, और यह बनी थी 69th अमेंडमेंट संविधान के 69वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली में क्या बनाई गई थी, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है। और आपको पता है ये एग्जाम में बहुत आता है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो दिल्ली था, दिल्ली को दोस्तों NCR कहा गया था, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली कहा गया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी का यहां पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्लासेस को शेयर भी किया करिए, ठीक है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में क्या किया है, शामिल किया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको मैं बता दूं, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है, बैंकर ऑफ दी बैंक, जैसे हमारे लिए कॉमर्शियल बैंकें होती हैं, हमारे लिए प्राइवेट बैंकें होती हैं, वैसे ही बैंकों की बैंक कौन होती है, RBI होती है, एक काम। दूसरा, RBI करेंसी का रेगुलेशन करती है, 1957 से 1957 से RBI क्या कर रही है, हमारे देश में करेंसी का रेगुलेशन यानी कि नियमन कर रही है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, RBI का जो संशोधन अधिनियम आया था वो 1 जनवरी 1949 को आया था, और ये संशोधन अधिनियम के तहत ही RBI के नियमन चलते हैं, ठीक है। ये वही RBI है जो कि भारत सरकार की बैंकर के रूप में भी काम करती है, और ये RBI भारत सरकार का जितना भी सोना है वो सारा RBI में रखा होता है, ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी जो बात क्या है कि अभी हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नियामक यानी कि रेगुलेशन दायरे में शामिल किया है, तो अभी आपको किसको शामिल किया है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम की अगर बात करें दोस्तों, तो सिक्किम के लिए, सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, 1950 में सिक्किम के लिए सिक्किम पीस ट्रीटी इंडिया नेपाल के बीच में करी गई थी, जिसके तहत यह हुआ था कि ना तो सिक्किम इस पे कब्जा करेगा ना भारत कब्जा करेगा और शांति बना के रखेगा, लेकिन नेपाल ने शांति नहीं रखी, तो 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम नेपाल को मजबूर कर दिया कि सिक्किम के साथ समझौता करो और ध्यान रखो ये सह राज्य बनेगा हमारा भी तुम्हारा भी। लेकिन 1975 में 1975 में जाकर ये भारत में क्या हो गया, शामिल हो गया, क्योंकि सिक्किम के लोगों ने भारत में आने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे और ये भारत में क्या हो गया, शामिल, तो ये भारत का क्या बन गया दोस्तों, स्टेट। लेकिन सिक्किम जब भारत में शामिल हुआ तो सिक्किम में जो बैंक है यानी कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, इसके लिए नियम बनाया गया, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, स्टेट की जितनी भी बैंकें हैं, सारी बैंकों का जो रेगुलेशन चलता है वो RBI के रेगुलेशन नियम के तहत चलता है। लेकिन इंडिया का एकमात्र स्टेट है कौन सा, सिक्किम, जहां पर RBI का रेगुलेशन नहीं चलता था, ठीक है। तो ये एकमात्र राज्य था, एकमात्र स्टेट था जो RBI के नियामक दायरे यानी कि रेगुलेशन के बाहर था, रेगुलेबल, मतलब इनको
आरबीआई के रेगुलेशन के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये भी क्या हो गया है, बस इतना ही जानना है, लेकिन अब ये आरबीआई के दायरे में आ गए हैं, ठीक है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में है ये भी किसके दायरे में आ जाएगी दोस्तों, ये भी आ जाएगी किसके दायरे में, आरबीआई के, क्योंकि आ गया, आप सभी को पता होगा कोविड 19 के समय में वित्तीय आपात की स्थिति खड़ी हुई, कोविड 19 के समय में हमारी मुद्रा गिर रही है, तो इसलिए ये बैंक बर्बाद ना हो जाए तो सिक्किम ने खुद ही समझौता किया है आरबीआई से कि हम भी आपके अधीन आने के लिए तैयार है, वरना हमारे खत्म होने का जो डर है वो ज्यादा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले नासिक की जो कोऑपरेटिव बैंक थी उसके लिए नियम लागू किए आरबीआई ने, विजयलक्ष्मी बैंक को बंद करने की बात हुई, तो ध्यान रखिएगा वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को किसके दायरे में लाया गया है, रेगुलेशन के दायरे में, ठीक है। दोस्तों अगर आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई का जो रेगुलेशन आया था, ध्यान सुनिए, मुद्रा का रेगुलेशन की बात की जाएगी तो मुद्रा का नियमन आरबीआई ने शुरू किया था 1957 में, 1957 में, ठीक है। और अगर आरबीआई संशोधन अधिनियम, आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट की दोस्तों बात करते हैं तो ये एक्ट आया था 1949 में, ठीक है। बाकी चीजें मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था, आरबीआई का गठन 1934 एक्ट के तहत हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई के पहले चीफ कौन थे दोस्तों, पहले जो इसके गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे, ठीक है। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में टोटल कितने गवर्नर हुए आजादी के बाद, तो ये 25 गवर्नर हुए, ठीक है। 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है, 25th गवर्नर जो इस समय है कौन है, कौन है भाई, शशिकांत दास है, सभी को पता है, ठीक है, शशिकांत दास। इसके कितने डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों, इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आरबीआई है और आरबीआई के रेगुलेशन के नियम मैं आपको बता दूं, फिर से सुन लीजिएगा। आरबीआई का पहला नियम, आरबीआई मुद्रा का नियमन करती है, आरबीआई बैंकर ऑफ बैंक बोली जाती है, आरबीआई गवर्नमेंट की बैंकर के रूप में जानी जाती है, गवर्नमेंट का जितना भी सोना होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। तो ये सारे काम, और ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, नकद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब की सब कौन लागू करता है, आरबीआई ही लागू करती है, ठीक है। तो यही आरबीआई के रेगुलेशन के नियम है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ, आपका जो सिक्किम है वो आरबीआई के दायरे में आ गया। दोस्तों अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आजादी की लड़ाई के समय बनी थी, 1919 में इसका क्या हुआ था दोस्तों, गठन किया गया था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकें मिलाकर, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकें मिलाकर एक बाद में एक बैंक बनी थी, इंपीरियल बैंक, 1921 में, 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था, ठीक है, एक बात जान लीजिए। इंपीरियल बैंक जो थी दोस्तों 1921 में बनी थी, फिर 1 जुलाई 1955 को इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन किया गया था, ठीक है, सभी का क्लियर। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, एसबीआई की जो टोटल इकाइयां चलती थी वो 8 थी, फिर 7 हुई, धीरे धीरे करके अभी खत्म हो रही है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, है ना, शेयर करने का काम आपका है, शेयर करने का काम हमारा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ कौशल केंद्र, यहां पर एक वर्ड लगा लीजिए, कौशल विकास केंद्र है, कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो डीआरडीओ की बात हो रही है तो यानी कि रक्षा की बात हो रही है, रक्षा की बात हो रही है तो यहां पर रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। तो हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में एक जगह है पिलखुआ, कौन सी जगह है पिलखुआ, वहां पर क्या किया है, वहां पर डीआरडीओ का स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में डीआरडीओ की मदद से उत्तर प्रदेश में एक जगह है पिलखुआ, PILKHUVA, पिलखुआ, उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में आपका SDC, ध्यान रखिएगा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, SDC का मतलब दोस्तों क्या, स्किल डेवलपमेंट सेंटर क्या किया गया है स्थापित। तो ये आपका वर्चुअली इसका उद्घाटन हुआ
किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एसडीसी करेगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, एसडीसी फायर सेफ्टी प्रशिक्षण देगा इंडियन आर्मी के जवानों को, डीआरडीओ के जवानों को, कोस्ट गार्ड के जवानों को, डिफेंस के जो अदर जो सेटलमेंट्स हैं उन लोगों को देगा। इसके साथ साथ ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी ये क्या करेगा, उनको भी ये प्रशिक्षण देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ये किसके लिए है दोस्तों? ये फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए दोस्तों ये बनाया गया है, जो कि इसको आप क्या बोल रहे हो, एसडीसी डीआरडीओ। ठीक है, एसडीसी डीआरडीओ मतलब क्योंकि किसकी इकाई के रूप में काम करेगा? डीआरडीओ। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, इंडिया में सबसे ज्यादा रिसर्च लेबोरेटरीज, 53 रिसर्च लेबोरेटरीज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में केवल किसके पास है? डीआरडीओ के पास। इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च लेबोरेटरीज रखने वाली संस्था है डीआरडीओ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और डीआरडीओ 2010 में जब से प्रतिबंध हटाए, डीआरडीओ ने बहुत विकास किया इंडिया में। ठीक है, तो ये फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए आपका एसडीसी की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इनके बारे में ध्यान रखिए, करेंगे क्या? ये फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाएंगे। पहली बात, फायर प्रोटेक्शन के लिए ये टेक्नोलॉजी इजाद करेंगे कि कैसे बचाया जा सके। उसके बाद ऐसे इक्विपमेंट बनाएंगे जो कि फायर प्रोटेक्शन में और फायर को हटाने में या खत्म करने में क्या हो, सहायक हो। जैसे इंडिया में फायर ब्रिगेड का काम अभी भी वही पुराना ही वाला है, वो पानी की बौछार मारते हैं, स्पीड से मारते हैं, तभी वो आग बुझती है, उससे बहुत नुकसान होते हैं। ठीक है, उससे नुकसान वाटर का नुकसान तो यही है, दूसरा इतनी जल्दी पानी से आग नहीं बुझती है। ध्यान रखिएगा, पानी को अगर ज्यादा स्पीड ना हो तो आग में अगर पानी डालेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो फायर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स का ये लोग क्या करेंगे? निर्माण। प्रशिक्षण के लिए आपको मैंने अभी बताया, प्रशिक्षण किसको किसको दिया जाएगा? प्रशिक्षण के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को लाया जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों कोस्ट गार्ड को शामिल किया जाएगा। इसके साथ आपका ऑर्डिनेंस को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत खतरा होता है ऑर्डिनेंस में आग लगने का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखे जाएंगे, इसके साथ साथ डीआरडीओ के भी क्या है, डीआरडीओ के विभागों को भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में स्थापित होने वाला एसडीसी है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इस एसडीसी का निर्माण डीआरडीओ की इकाई ने किया है। उस इकाई का नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। ठीक है, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट या एनवायरमेंट भी कह सकते हो, एनवायरमेंट सेफ्टी। ठीक है, ये एक इकाई के रूप में काम करती है, किसकी? डीआरडीओ की। फिर से बता दे रहा हूं, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, जो कि आपका एक डीआरडीओ की इकाई है दोस्तों, और इसका गठन 1992 में हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपकी डीआरडीओ की इकाई, जैसे मैंने आपको बताया इनके पास 53 लेबोरेटरी है, वैसे ही। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। दूसरा दोस्तों, अमित शाह जी की बात करेंगे तो ये भारत के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी को तो सभी जानते होंगे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो काय के लिए फेमस है? ध्यान रखिए, खजुराहो किसके लिए फेमस है दोस्तों? खजुराहो फेमस है जैन धर्म के लिए, और कहीं कहीं पर बौद्ध धर्म के लिए मॉन्यूमेंट्स भी हैं। दूसरा, जैन धर्म के प्रचार प्रवर्धन या संवर्धन के संबंध में आपका जैन जो खजुराहो है मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ध्यान रखिए, अगर खजुराहो की बात हुई है दोस्तों तो क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश होगा। तो आंसर तो सभी को पता है कि यहां पर आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल की एक संगीत नाटक एकेडमी है वहां की, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका जो कि आपका आपके जो संगीत एकेडमी है वो आपकी जो संस्कृति विभाग है, यानी कि भारत का मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके अधीन काम करता है। उनका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो ध्यान रखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं हो रही है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और नाटक एकेडमी जो है, जो कि भोपाल में कार्यरत है, उसकी मदद से ये फेस्टिवल कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मांडू फेस्टिवल भी मनाया गया। मांडू फेस्टिवल धार जिले का एक सांस्कृतिक फेस्टिवल भी है। ठीक है, उसके बाद अभी आपका हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान,
ये एक वो एकेडमी है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो संगीत एकेडमी है, संगीत एकेडमी द्वारा इसको इस महोत्सव को शुरू किया गया, ठीक है। और इस महोत्सव में दोस्तों जब इसका शुरुआत हुई है तो शुरुआत में ही इसमें भरतनाट्यम और कथक का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि आपको मैं बता दूँ इसका फर्स्ट डे जो था, फर्स्ट डे में गीता चंद्रन जो कि भरतनाट्यम के लिए बहुत फेमस है, गीता चंद्रन और उनकी मंडली ने इसके फर्स्ट डे ही, पहले दिन ही इसकी शुरुआत की थी भरतनाट्यम से, ठीक है। दोस्तों भरतनाट्यम के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का आपका लोक नृत्य है, ठीक है। और इसी फेस्टिवल में देखा जाए तो इसी फेस्टिवल में कथक का प्रदर्शन भी किया गया, और कथक का प्रदर्शन जो किया गया वो आपके दीपक महाराज जी द्वारा कथक का प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग शायद ना जानते हो, जो कथक है जो कि लोक नृत्य है कहाँ का, हमारे उत्तर प्रदेश का। कथक कली की बात नहीं हो रही है, कथक की बात हो रही है। कथक जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, मैं आपको बता दूं इसमें मुगल श्लोकों का भी यूज किया है। आपको पता है इसका जो कथक जो परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म करने के लिए जो इसके बोल होते हैं वो बोल में मुगल शब्द भी शामिल किए गए। आपको पता है सितार, सरोद, आपका सारंगी, शहनाई, ये सब केवल इंडियन संगीत सिस्टम नहीं है। आपको पता है ये सारी सिस्टम ईरान और इंडिया के मिक्स कल्चर रहते हैं, ठीक है। तो सितार, सरोद, जो सारंगी है, ये सब ईरानियन और इंडियन कल्चर बेस्ड जो आपके वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों को इंडियन ईरानियन दोनों मिलाकर बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कथक का प्रदर्शन दीपक महाराज जी ने किया, गीता चंद्रन ने भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया। ये पहले दिन ही आपका 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 2021 के शुभारंभ में किया गया था। और ये किस राज्य में हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश में, क्लियर है। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर मांडू के बारे में, मैंने आपको बताई दिया कि मांडू कहाँ का फेस्टिवल है, मांडू फेस्टिवल है दोस्तों कहाँ का, मध्य प्रदेश के धार जिले का। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है, दो नदियों के लिए बहुत फेमस है, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियों के लिए बहुत फेमस है। और ये नर्मदा जो है, नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और जो ताप्ती है, ताप्ती पर दोस्तों उकाई डैम बहुत फेमस है, ठीक है। ये दोनों जल विद्युत परियोजना के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ये नर्मदा नदी पर और ये ताप्ती नदी पर, दोनों ही बने गुजरात में है लेकिन बने इन्हीं नदियों पर है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भील कोल नाम की जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर भुया और बैगा नाम की जनजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश का ही एक शहर है दोस्तों इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इस साल भी घोषित किया गया था, जो कि चौथी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है नती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नती हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि वहां की एक शेड्यूल्ड ट्राइब है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति है, जिसका नाम है गद्दी। गद्दी मेषपाल लोग होते हैं और इन लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा, नती है, ठीक है। असम की बात करेंगे तो असम में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन वहां पर बिहू मनाया जाता है, जो कि वहां का लोक मतलब वहां का स्टेट फेस्टिवल और स्टेट नृत्य में भी आता है, ठीक है, सभी का क्लियर है। अभी हाल ही में असम में आपने देखा भी, असम में भारत सरकार द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना चलाई गई है, जिसके तहत असम में बहुत सारे ब्रिजेस स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है? तो हाल ही में आपको मैं बता दूं, इजरायली गवर्नमेंट है, इजराइल की सरकार ने क्या किया है, इजराइल की सरकार ने एक ग्रीन पास सिस्टम स्टार्ट किया है। अब ये उनके लिए स्टार्ट किया गया है कि ऐसे लोग जो कि फाइजर वैक्सीन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जर्मन कंपनी है बायो एनटेक, ठीक है, और पी फाइजर, दो कंपनियां हैं, इनके द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था फाइजर वैक्सीन, जो कि जर्मन कंपनी द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था बायो एनटेक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अब आने वाले एग्जाम में कोरोना उसमें भी बवाल मचाएगा, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे, ठीक है। तो बायो एनटेक और एक है पी फाइजर, ये जो आपकी कंपनियां हैं, इन्होंने एक फाइजर वैक्सीन बनाई है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रीन पास जो है, जिन लोगों ने, ऐसे इजरायली जिन्होंने इसकी वैक्सीन ले ली है,
मतलब कि वो इसकी वैक्सीन लेके स्वच्छ हो चुके हैं, मतलब कहने के लिए कि कोरोना उनको अब नहीं होगा। और दूसरे जो रिकवर्ड लोग हैं, जो रिकवर्ड इसराइलियन है, मतलब कि जिनको कोरोना हो चुका और वो स्वस्थ भी हो चुके हैं, मतलब कि एक बार भुक्तभोगी हो चुके हैं, तो इन दोनों लोगों को वहां पर क्या दिया जा रहा है दोस्तों, ग्रीन पास दिया जा रहा है। अब इस ग्रीन पास को लेकर ये ग्रीन पास आपका QR कोड के रूप में भी मिल जाएगा, ठीक है, और ये ग्रीन पास प्रिंटेड पेपर के रूप में भी मिल जाएगा, जिसको लेकर इसराइल के लोग कहीं भी जा सकते हैं, स्विमिंग पूल, जिम आदि का वो प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि उनके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि अब इनको कोरोना नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार का ठप्पा देने के लिए वो जिम भी जा सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट की जगह पर भी जा सकते हैं, और वो अब कभी कोरोना नहीं फैलाएंगे। इस बात का इसराइल को क्या लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो स्विमिंग पूल, जिम और एंटरटेनमेंट जैसे स्थानों पर उन्हें जाने का पूरा पूरा अधिकार मिल गया है, जिसके बारे में जाने का अधिकार, जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जिसके बारे में इसराइल में बहुत विवाद भी हुआ है कि जो लोगों को ये ग्रीन पास, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, जिन लोगों को ये पास नहीं मिला है, ठीक है, जिन लोगों को ये पास, अधिक विवाद भी हुआ जाने का अधिकार, ठीक है, जिन लोगों को ये पास नहीं मिला है उनके साथ क्या हो रहा है, उन लोगों ने विवाद खड़ा किया है कि उन लोगों को सामाजिक स्थलों पे जाने का अधिकार क्यों नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाइजर की जो वैक्सीन है वो आपके इसराइल में भी वितरित की गई थी। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी फाइजर का वितरण किया गया था, ठीक है। हमारे भारत ने दो वैक्सीन्स बनाई हैं मेन, एक बनाई है कोविशील्ड, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और कोविशील्ड जो बनाई है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, ठीक है। एस्ट्राजेनिका आपकी ऑक्सफोर्ड की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ एक स्वदेशी भी बनी थी कोवैक्सीन, जिसके संबंध में मैं आपको बता दूं, हरियाणा के कुछ मंत्री जी लोगों को ये दवा दी गई और उनको दोबारा कोरोना हो गया, ठीक है। तो मतलब कि वो कोरोना वैक्सीन से वो रिकवर नहीं कर पाए। और आपको मैं बता दूं, अगर इसराइल ऐसा सोच रहा है तो अभी चाइना में इसी साल ऐसे केसेस भी आए हैं जिसको दोबारा कोरोना हुआ है, मतलब कि दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोवैक्सीन जो बनाई है ये आपकी भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है, इसने बनाई है, ये भारत बायोटेक ने बनाई है, ये भारत की पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन थी, ठीक है, सभी का क्लियर है। बाकी चीजें बहुत सारी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे कोविड के लिए इंडिया में जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन संजीवनी, तो उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने मानव संसाधन में विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो ये वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड जो है, ये अवार्ड शुरू हुआ था 1992 में, ये प्रारंभ हुआ था 1992 में, ये प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो इस बार का जो पुरस्कार जो दिया गया है, वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड जो दिया गया है, ये आपका 29वां पुरस्कार है, 29th पुरस्कार है, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 29वां अवार्ड जो ये शुरू किया गया है, ग्लोबल आपका ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड, ये किसको दिया गया है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। दुनिया के 133 देशों के बैंक, ध्यान रखिएगा, दुनिया के 133 कंट्रीज में से हमारी बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया की स्वदेशी कंपनी जो स्वदेशी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड को जीता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1919 में हुआ था, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, स्टेट बैंक बता ही चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉरी एक मिनट, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ पर आपका यूनियन बैंक है दोस्तों, मैंने आपको यूनियन बैंक अभी बताया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया गया है 1919 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो इस चीजों को ध्यान रखा करिए। दूसरा, इनको जो अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आपका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, बंबई में, और इनको जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों वो है ह्यूमन रिसोर्स में, यानी कि मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता, सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के बारे में, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए आपको इसका अवार्ड दिया गया ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में। अभी हाल ही में सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए भी सीखने और विकास में सुप्रीमेसी के लिए, विकास में उत्कृष्टता के लिए क्या किया गया था, यह भी अवार्ड किसको दिया गया है, यह भी अवार्ड आपका बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार इनको एक नहीं, दो नहीं, इनको
तीन अवार्ड प्रदान किए गए हैं दोस्तों। और यही के जो आपके जनरल मैनेजर है, जो चीफ जनरल मैनेजर है कल्याण कुमार जी, उनको भी यहां पर अवार्ड दिया गया है। तो जो कल्याण कुमार आपके चीफ जनरल मैनेजर है कल्याण कुमार, इनको भी क्या दिया गया है दोस्तों, इनको भी अवार्ड दिया गया है। इनको दिया गया है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर, ठीक है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तीन पुरस्कार बैंक ऑफ इंडिया को मिले हैं, एक तो कल्याण कुमार जी को मिला है जो कि आपके चीफ मैनेजिंग जनरल मैनेजर है, उसके बाद बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का अवार्ड मिला है, और सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए भी अवार्ड बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने महिलाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो आपको मैं बता दूं, मैं आपको बोल भी रहा था, कोई इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब, अरब का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में 2018 से अगर 2020 के बीच में अगर हम जाके तो आपको पता है सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये बहुत अच्छे साबित हुए हैं सऊदी अरब की महिलाओं के लिए, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि वहां के प्रिंस है, और इंडिया के सलमान खान की तरह ही इनकी बड़ी इज्जत हो रही है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के प्रिंस हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 2018 से लेकर 2020 के दौरान महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी, महिलाओं को पूरी तरीके से स्वतंत्र किया है। जिस देश में सदियों सदियों वहां पर महिलाओं को पुरुषों के बिना घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, अब उन महिलाओं को इतना स्वतंत्र किया गया है कि आपको यहां पर क्या हुआ है, अभी हाल ही में सऊदी अरब की सेना, वायुसेना और नौसेना में भी क्या किया गया है, इंडियंस आपको फीमेल्स को शामिल किया गया है। तो आपकी आर्मी, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में भी वो जा सकते हैं। इसकी पहल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसकी पहल, जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान जी ने कहा है कि इसकी पहल या इसकी सोच 2018 से मेरे दिमाग में आई थी, और 2018 में जब इंडिया की जो तीन फीमेल फाइटर पायलट थी, जिसमें आपके शिवांगी थी, जितरवाल थी और आपकी भावना कंठ जी जो थी, इन लोग जब से इंडियन फाइटर पायलट्स के रूप में फर्स्ट फीमेल आई हैं, फिर अभी आयशा अजीज जो कि कश्मीर की एक 25 साल की लड़की है जो कि इंडिया की यंगेस्ट पायलट बनी है, तो इन लोगों को देखकर ऐसा सऊदी अरब ने पहल शुरू करी कि 2018 में सबसे पहले सऊदी अरब में फीमेल्स को कार चलाने का अधिकार मिला, फीमेल्स को कार ड्राइव करने का अधिकार नहीं था सऊदी अरब में, ठीक है, एक बात जो है। 2019 में फीमेल्स को पुरुषों के बिना अकेले यात्रा करने का अधिकार, ठीक है, पुरुषों के बिना अकेले यात्रा करने का अधिकार मिला, और इसके साथ साथ उनको मैं बताऊं 2019 में इन लोगों को फुटबॉल मैच देखने का अधिकार मिला कि वो फुटबॉल मैच अकेले जाकर देख सकती हैं, ठीक है, स्टेडियम में जाकर, और इसके साथ साथ इनको और भी जो अधिकार दिए गए हैं उसमें इनको थिएटर में जाने का, थिएटर प्रवेश करने का पुरुषों के बिना ही, बिना किसी मेल पारिवारिक मेंबर के बिना ही ये जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्वतंत्रताएं उनको दी जा रही है, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, इसी को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अभी हाल ही में WTO की जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी जो चीफ बनी है वो अफ्रीका की लेडी बनी है, नाइजीरिया की जो वित्त मंत्री है एनगोजी ओकोंजा, वो भी अफ्रीका की पहली और पहली महिला चीफ बनी है किसकी, WTO की। तो महिलाओं को दुनिया के कई देशों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रकार के काम किए। इथियोपिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, इथियोपिया और इंडिया के बीच में सर्विसेज बहुत सारी स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका वीजा फैसिलिटी और लेदर जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए इंडिया इथियोपिया के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में अर्जेंटीना के कौन से फुटबॉलर ने बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो आपको मैं बता दूं, अभी तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो हर्नांडिस का था, जो कि आपके जबी हर्नांडिस से 505 मैच इन्होंने बार्सिलोना के लिए खेले थे, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में बार्सिलोना का जो सीरीज स्टार्ट हुई, ला लिगा की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, ध्यान रखिएगा, ला लिगा एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट डिवीजन है, जो ला लिगा का मैच शुरू हुआ उसमें लियोनेल मेसी जो कि आपके अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इन्होंने अपना 506वां मैच खेला, ठीक है। टूर्नामेंट किसका था दोस्तों, ला लिगा का टूर्नामेंट था,
ला लिगा टूर्नामेंट में जैसे ही इन्होंने पहला मैच खेला है, फर्स्ट मैच में ही इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा बार्सिलोना के लिए मैच खेलने वाले कौन है, आपके लियोनेल मेसी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लियोनेल मेसी के पास 2 गोल्डन बॉल है और इसी मामले में बस ये पीछे है किससे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, जो कि जुवेंटस से खेलते हैं। ठीक है, अब ये जुवेंटस जेजे से खेलते हैं। ठीक है, और इनके पास कितनी गोल्डन बॉल है, इनके पास 4 गोल्डन बॉल है। ठीक है, 4 गोल्डन बॉल है। ठीक है, ध्यान रखिए, दुनिया के नंबर एक प्लेयर एक तरीके से गोल्डन बॉल के क्षेत्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो माने जाते हैं। दोनों में एक ही फर्क है, रोनाल्डो एक्सेप्शनल शॉट के लिए फेमस है, एक्सेप्शनल किक के लिए फेमस है, और दुनिया में सबसे अच्छी ड्रिबलिंग और फास्टेस्ट ड्रिबलिंग का रिकॉर्ड है किसके नाम, लियोनेल मेसी के नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके जो ला लिगा जो टूर्नामेंट है, ये विश्व में मेंस टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल डिवीजन है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, ला लिगा बोलते हैं। ठीक है, मेंस टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल डिवीजन है जिसको हम ला लिगा कहते हैं, इनका नाम बहुत बड़ा है, तो ला लिगा शॉर्ट में इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसी टूर्नामेंट में इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किसके लिए खेलते हैं दोस्तों, ये बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में, अगर स्थानीय टीमों में देखा जाए तो बार्सिलोना 3rd नंबर पे है। अगर देशों में देखा जाए दोस्तों, तो देशों में सबसे नंबर 1 पे है कौन सा देश, ब्राजील है, जिसके लगभग 2.5 पॉइंट है। ठीक है, ब्राजील नंबर 1 पर है, और सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश भी कौन सा है, आपका ब्राजील है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की आपकी करंट अफेयर्स थी। आगे हम लोग कल फिर से मिलेंगे, रोज आपके साथ हम सुबह 7 बजे शामिल होते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर करते रहा करिए, और सभी लोग कॉपी पेन लेकर सारे पॉइंट्स लिखा करिए। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों के लिए ये जो पूरी क्लास है, जितना भी मैं एनोटेशन के साथ लिखता हूं, इस पूरे को इस प्रकार सेव किया जाता है और फिर आपको PDF बना के दिया जाता है। तो आप लोग इसी चीज को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी राइटिंग में। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।